गाजा में इसराइल की क्रूरता बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए इसराइल का समर्थन करने वाला अमेरिका तक आगे आ गया है। अमेरिका के अलावा कई अन्य देश और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपना अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि इन सबको अनदेखा करता हुआ इसराइल गाजा में अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाता जा रहा है। अब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने बीते दिन चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी में इसराइल की जीत हुई तो वो तुर्की को निशाना बनाएगा। एर्दोगन ने अंकारा में एक संसदीय समूह की बैठक के दौरान कहा कि इसराइल गाजा में नहीं रुकेगा और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये दुष्ट राज्य अनातोलिया को निशाना बनाएगा। एर्दोगन ने कहा कि हम हमास के साथ खड़े रहेंगे जो अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ रहा है और अनातोलिया की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर घोषणा करते हैं कि हम अपने पूरे अस्तित्व और संसाधनों के साथ फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी हित के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि नरसंहार के अपराधियों को सजा मिले। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से तुर्की के राष्ट्रपति गाजा में जारी नरसंहार को लेकर इजरायली अधिकारियों की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी अंकारा को इजरायल के साथ अपने व्यापार संबंधों को खत्म करने में 6 महीने से अधिक का समय लग गया। अंकारा ने पड़ोसी अजरबैजान से इजरायल तक तेल के व्यापार में किसी भी तरह की बाधा पैदा करने से भी इनकार किया है। ये जान लेना भी जरूरी है कि तेल अवीव सुरक्षा चिंताओं के कारण महीनों पहले अपने राजदूतों को वापस बुलाने के बाद चुपचाप तुर्की लौट रहा है। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने ये भी कहा कि उनके देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में इसराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में आधिकारिक हस्तक्षेप की घोषणा का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसराइल ने हाल के दिनों में गाजा में अपना सैन्य अभियान काफी तेज कर दिया है और अभी तक वो कई निर्दोषों की जान ले चुका है। इसराइल के इस रवैये पर कई देश और उन देशों के लोग नाराजगी जता चुके हैं। यहाँ तक कि उसे सैन्य हथियार देने वाला देश अमेरिका तक उसे चेतावनी दे चुका है कि अगर वो गाजा में नरसंहार करता है तो वो उसकी मदद बंद कर देगा। इसके बाद भी इसराइल मानने को तैयार नहीं है। इसराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही मानेगा। हालांकि हमास भी अकेला नहीं है, उसे भी हिजबुल्ला और हूती का भरपूर साथ मिल रहा है। ऐसे में अब ये युद्ध कहां जाकर थमेगा, इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है।